मैं वो जिसे कहते हैं स्पीचलेस, जैसे आप ऐसे हाथ लगा के यकीन करें, मैं ऐसे हाथ लगा के यकीन कर रहा हूँ कि मेरे साथ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बड़ी हमशीरा मोहतरमा नफीस खातून, जिनको सब आपो जी कहते हैं, वो साथ मौजूद हैं। ये नाम मुझे पेजी खान ने दिया हुआ, उनको हम पेजी खान कहते थे। ये परवेज पहले नाम था, अंजुम परवेज रखा था ना पहले, अंजुम परवेज रखा। अच्छा जी, तो बुज़ुर्गों ने किसने बताया वाले साहब को कि आप ये तो सरकार के दुश्मन का नाम है, फिर वहीं से हम चेंज कर दिया, उनको भी कहती रहती थी। तो हम छोटे अभी तक हमने पेजी खां कहती आ रही थी बहने, ठीक है, तो फिर उसका नाम रखा गया नुसरत। वाले साहब की हम चार बेटियाँ थी जी, तो सबसे छोटी बिल्किस बिल्ले, वो डिटो काफ़ी नुसरत थी। अच्छा जी, उनसे बड़ी थी राज। अब घर में था कि ये हम लड़कियाँ ही हो गई हैं, हम राज गए हैं पंजाबी के, ठीक, तो उसे राजे कह रहे थे, राजे से। हाँ जी, लेकिन आगे अल्लाह पाक की देन थी और बिल्किस, उसके बाद नुसरत पैदा हुई है। बड़ी मन्नतें मुरादों के, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में उनकी मन्नतें उतारी गई हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अजीज रिश्तेदार बैठे थे सब ने वहाँ, खास तौर पर मुल्तान में हमें 1.5-2 माह लग गए। हर फैमिली ने हमें एक एक हफ्ता रोका अपने घर में, बहुत खुशियाँ मनाई गई। तो एक और बड़ी अच्छी बात मैं ये बता रही हूँ कि नुसरत खान साहब का अकीका जो हुआ ना, एक महीना उसकी सेलिब्रेशन रही, एक महीना सेलिब्रेशन रही हकीके की। अच्छा, तो वहाँ से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान वो अफगानिस्तान तशरीफ लाए। अच्छा जी, तो मैं छोटी थी तो मैं ऊपर से देखती थी, वो नीचे बैठे हुए हैं, बाल साहब को चेयर पर बैठाया हुआ, नुसरत गोदी में है, तो राग शाहना पेश कर रहे थे, वो मेरे माइंड में अभी तक चल रहा है। अच्छा जी, और जब ये 7-8 साल के हुए तो खान साहब बड़े गुलाम अली खान के बेटे मुनव्वर अली खान तशरीफ लाए। अब वो बैठक में होते थे मर्दाना बैठक में, तो अंदर तो थोड़ी सी हम खोल के ना दरवाज़ा से हम सुनती रहती, हमें बड़ा जुनून था सुनने का, बड़े बड़े गवाहियों को सुना हमने। अच्छा, तो उनके साथ संगत करनी थी, उन्होंने अपने जो तबला नवाज थे उनको उठा दिया, और पंडित साहब इधर बैठो। अब वो देख रहा हैरान होकर कि मुझे किसके साथ बैठा रहे हैं, और वो भी हैरान कि इस बच्चे को बैठा रहे हैं। खान साहब ये बच्चा, उन्हें कहा खान साहब आप शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें। अच्छा, अब जो उस बच्चे ने बजाया, अगर हम ये कहें कि मुश्किल में डाल दिया, ये उनकी हद तक होगी, वो भी बहुत बड़ी हस्ती थी। तो उसके बाद खुद आंखों में आंसू आ रहे, बेटे की कामयाबी, वो एक दिन को मुंह कर रहे, उसे गली में हम घूम रहे सुन रही थी। तो वो फिर एकदम से फोके अंदर आए, हमारी वालदा इतनी सादी थी ना, वो सूत्र ने चरखा काटती, कभी वो सूत्र ऐसे अटेर रही हैं, आके कहते हैं पापा सुना अपने बेटे से, कहती क्या, कहते इन्होंने आज संगत किया, लैकी पाछू कम दस दिता मेरे बेटे ने, तो फिर तुम क्या चाहती हो, कहते मैं आपको तब मानूंगी कि अगर ये अगवा हो। तो कहते अगर तुम कहती हो पापा तो ये अगवा ही होगा, अगवा भी ऐसा कि दुनिया मौसीकी का हुक्मरान होगा। यकीन करिए एक एक लफ्ज उनकी मेरे रिकॉर्ड है, आपने सुनी हम ऐसे, हमारी नजरें हमारे कान उन पर लगे रहते थे। जब वो हमारे जनाना हिस्से में मर्द आते थे ना बाहर, तो हाँ जी, तो हम सब चौकस हो जाते। फिर खास साहब मेरी छोटी बहन राज है, वो भी आर्टिस्ट हुई है बहुत बड़ी, वो चल फिर नहीं सकती, उसको मैं उठा के टॉयलेट मूव करवाती थी, हो जाते थे। तो बस हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, हम उनकी बातों पर गौर करते, इसलिए कि जो कम बात होती है ना, थोड़ी चीज़ होती है उस पर नज़र ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा हो तो उसमें कोई गलतियाँ भूल भी हो सकती है, वो बहुत कम बोलते थे दोनों, माँ भी और बाप भी। तो इसके बाद जब जरा बड़े हुए, अब स्कूल में दाखिल हुए हैं सेक्रेड हार्ट में, इंग्लिश मीडियम में, सब बहुत ही भोले भाले, वो द क्राइस्ट का मुजस्मा होता तो उसको इस तरह से कहते, वो कपड़े उतारो बेटा ऐसे बैठो, उसकी टीचर उसको कहती, तो मैं हाथ से पकड़ के ABCD उनको लिखना सिखा दूँ, सिंपल माइंडेड बेहद दोस्त साहब थे। तो कोई बात ना मानता, मैं कहती पेजी खां मैं मरने लगी हूँ,
اور آپو جی نہ مرنا نہ مرنا نہ. میں نے اخبار پیپر اوپر بچھا کے میں نے سیدھے لیٹ جانا, دیکھو میں مر گئی ہوں, اب جو کہو گی میں مانوں گا, اب زندہ ہو جاؤں. اب اس کی سمپلسٹی کی حد دیکھے کہ میں آپ زندہ ہو جائیں میں مانوں گا, اور اب نہیں مانا ہوں.